हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुलफ्शा सिद्दीकी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि क्लास टेंथ का चैप्टर है। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है ये चैप्टर, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे टॉपिक क्लियर होंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का इवोल्यूशन जो पार्ट है वो कट है, तो मैं इसको सिर्फ हेरिडिटी तक ही डील करूँगी, ठीक है। और पूरा डिटेल में बताऊँगी आपको। तो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी और इवोल्यूशन। अब ये हेरिडिटी और ये क्या है हमारा? हेरिडिटी और वेरिएशन, ये कौन सी वाला है, ठीक है। तो हमको जानने के लिए जानना होगा कि हेरिडिटी होता क्या है, अगर इसकी स्टडी हो रही है। हेरिडिटी मतलब किसी कैरेक्टर का ट्रांसमिट होना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, मतलब मम्मी पापा से कोई कैरेक्टर उनके बच्चों में अगर आ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। मान लीजिए ये पापा हैं और ये मम्मा है, ठीक है। पापा की आँख क्या है? ब्लैक कलर की है। और मम्मा की आँख क्या है? ब्राउन कलर की है। और पापा से क्या हो रहा है हमारा? ब्लैक कलर की आइज़ क्या हो रही है? उनकी बेटी में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? हेरिडिटी की वजह से हुआ, ठीक है। हेरिडिटी इसी को बोलते हैं कि कोई कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन अगर आप देखोगे, आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह हो नहीं, कोई ना कोई चेंजेस तो है ना, आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह नहीं हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन, मतलब जैसे से अब आपके, मतलब आप मम्मी पापा से थोड़े अलग हो, आपके बच्चे होंगे वो भी थोड़े अलग होंगे, ठीक है। बिल्कुल टू कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो आप अपने मम्मी पापा के। तो वेरिएशन क्या होती है? जनरेशन टू जनरेशन आती रहती है, ठीक है। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंजेस, ठीक है। चेंजेस आ रहा है कैरेक्टर में, किस में आ रहा है? ट्रेट में आ रहा है। ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ये चेंजेस आ कैसे रहे हैं, ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। अब ऐसा होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन आता है इससे बहुत ज़्यादा। कैसे आता है? गैमेट के फॉर्मेशन की वजह से। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर पापा की आँख ब्लैक है, ठीक है, तो इसका जीन, हम जीनोटाइप क्या ले रहे हैं? कैपिटल ए कैपिटल ए ले ले रहे हैं, ठीक है। और मम्मा का जो है हमारा ब्राउन है, तो इसका कैरेक्टर हम स्मॉल ए जीनोटाइप ले ले रहे हैं। अब इस कैपिटल ए से हमारा जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? सिर्फ कैपिटल ए, ठीक है। और ब्राउन वाले स्मॉल ए से जो हमारा गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल ए। तो ये जो गैमेट बन रहा है ना, इसी की वजह से अब जो हमारा ये वाला जो ऑफस्प्रिंग आएगा, इसमें कौन सा जीनोटाइप आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आप लोगों ने देखा, पापा का कैपिटल ए है, मम्मा का स्मॉल ए है, लेकिन डॉटर का क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो गैमेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ? कुछ ना कुछ वेरिएशन आया, डॉटर में आया ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्हीं गैमेट्स के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन आता है, ठीक है। वही अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्या होता है? वेरिएशन बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशन आ रहा है, थोड़े बहुत आते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? तो ये किसकी वजह से आते हैं? एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा डीएनए, कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो ये डीएनए क्या होता है? अगर डीएनए की अगर हम क्या करते हैं? कॉपी बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका एक ये टेम्पलेट यूज़ किया जाएगा, इससे न्यू स्ट्रैंड ये वाला बन जाएगा, और नीचे वाले को टेम्पलेट समझ करके ऊपर वाला ये न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। तो एग्जैक्ट टू कॉपी बन जाती है। तो ये जब रेप्लिकेशन होता है, कॉपी बनता है, तो डीएनए किससे हमारा बना होता है? नाइट्रोजिनस बेसिस से बना होता है। अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं? एटीजीसी। ये क्या होता है? एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एटीजीसी ये है, ठीक है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई एरर हो गया होगा, इस जी की जगह मान लीजिए ये क्या किया? टी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। इसकी वजह से इसका जीनोटाइप अब क्या हो गया? ए टी
टी सी, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके अपोजिट में क्या होगा, ए हमेशा पेयर करता है डबल बॉन्ड से टी से, और जी हमेशा पेयर करता है सी से करता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री देखिए ए होता है, फिर टी का, फिर यहाँ पे ये तो पेरेंट है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सी होता है। सी का क्या होता है, जी होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो कॉपी बनी, अब देखिए इसका बिल्कुल अलग बन जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, फिर टी का कॉम्प्लीमेंट्री टी, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। देखिए यहाँ जीनोटाइप चेंज हो गया, पूरा जेनेटिक सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो इसी वजह से क्या होता है, एरर अगर आ जाता है तो ये मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आता है, इसकी वजह से थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। तो ट्रेट विच आर कंट्रोल बाय जेनेटिक मटेरियल ऑफ द इंडिविजुअल एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट इन इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैरेक्टर जो कि किसके थ्रू कंट्रोल है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब कोई भी कैरेक्टर आपके अंदर है, ठीक है, चाहे आपकी आँख का कलर हो, बाल का कलर हो, आपकी स्किन का कलर हो, सबके पीछे क्या रीज़न है, सबके पीछे रीज़न है जीन, ठीक है। जीन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। अभी मैं आगे इसके बारे में और बताऊँगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, कोई भी कैरेक्टर है जो कि कंट्रोल हो रहा है हमारे जेनेटिक मटेरियल, यानी किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और ये कैरेक्टर क्या होता है, पेरेंट्स से ये क्या होता है, इनहेरिटेंस कर रहा है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। मतलब कोई कैरेक्टर जो कंट्रोल हो रहा है जीन के थ्रू और वो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो क्या कहलाएगा हमारा, इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे एग्जांपल हाइट, अब हाइट के भी कई वेरिएशन होते हैं, ठीक है, 5 फीट, 6 फीट हो जाएगा, 7 फीट हो जाएगा। स्किन का कलर डार्क, लाइट, मीडियम टोन, हेयर क्या हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, ईयर लोब्स क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे इनहेरिटेड ट्रेट है, जैसा कैरेक्टर होगा वैसे वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, 1822 से 1884 तक थे। तो इन्होंने हमको क्या बताया कि कैसे कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कोई कैरेक्टर कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, ठीक है। इनका वर्क किसके ऊपर था, स्वीट पी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम। तो इससे एक मार्क्स आने के चांसेस है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के काम किसके ऊपर थे, तो ये पाइसम सटाइवम के ऊपर थे, ठीक है, जिसको हम लोग स्वीट पी भी कहते हैं, ठीक है। और इनका पेपर क्या था, इनका पेपर जो पब्लिश्ड हुआ था, इनके पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब तक इन्होंने मतलब सारी मतलब डिस्कवरी वगैरह की, और ये जब ये अपना पेपर पब्लिश करा रहे थे, तो उस टाइम क्या था कि डार्विन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी थी। तो उस टाइम इवोल्यूशन के पीछे लोग बहुत ज़्यादा पागल थे, ठीक है, उस टाइम उसकी डिस्कवरी के लोग मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और मेंडल की बातों पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो जब मेंडल जब काम कर रहे थे तो उनकी इतनी अहमियत नहीं दी गई। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, 3 और साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, ह्यूगो दे फेरीज, कार्ल कोरेन और एरिच वॉन, ठीक है। ये इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, फिर से इनका जो पेपर था रिपब्लिश किया और देखा, और उनसे क्या किया, कुछ लॉज बनाए, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, आ सकता है कि मेंडल ने ये स्वीट पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई और भी तो प्लांट ले सकते थे, ठीक है। तो स्वीट पी प्लांट को क्यों लिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाईसेक्सुअल प्लांट होता है। बाईसेक्सुअल मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर हमारा मेल पार्ट भी हो। प्लांट में क्या होता है, अगर देखें हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा, एंथर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा, स्टिग्मा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें एंथर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअल प्लांट। और ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग, मतलब मान लीजिए ये कोई एक फ्लावर है हमारा, ठीक है, ये हमारा फ्लावर है और इसका एंथर, ठीक है, ये एंथर है और यहीं पे क्या है हमारा, स्टिग्मा प्रेजेंट है। यहाँ मतलब हमारा क्या हो रहा है, एंथर से क्या हो रहा है, स्टिग्मा में क्या हो रहा है हमारा,
पॉलन ग्रेन क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है सेम फ्लावर में, सेम प्लांट के। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। वही क्या हो जाए, इस फ्लावर का एंथर जो होगा वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेगा और वो इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आकर के अगर फॉल होगा, तो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे क्या हो रहा है, एंथर टू स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको क्रॉस पॉलिनेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों रीज़न की वजह से भी इन्होंने क्या किया, ये स्वीट पी को सिलेक्ट किया। दूसरा क्या है, इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर देखा। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, सीड का कलर क्या हो सकता है, दो हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो हमेशा दो कैरेक्टर देखे, मतलब उन्होंने क्या देखा, जो भी कैरेक्टर थे उनके दो पहलू थे। ठीक है, जैसे हाइट थी वो टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, सीड का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, राउंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और एक रिंकल हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने क्या किए, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे। और तीसरा और नेक्स्ट रीज़न क्या था इनके ये प्लांट सेलेक्ट करने का, कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। ठीक है, ओके, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 7 कंट्रास्टिंग कलर थे, कैरेक्टर थे, वो क्या क्या थे। ये क्या हो सकता है, सीड का शेप। ठीक है, सीड का शेप कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, या कैसा हो सकता है, रिंकल हो सकता है। कलर कैसा हो सकता है, येलो या ग्रीन हो सकता है। पोजीशन एक्सियल, मतलब यहाँ पर हो सकता है फ्लावर का पोजीशन। ठीक है, और टर्मिनल हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सियल हो गया, ये टर्मिनल हो गया। कलर क्या हो सकता है, वॉयलेट यानी पर्पल भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। शेप कैसा हो सकता है, फूल हो सकता है। और कंस्ट्रक्टेड, मतलब कोई कोई आपने पीस ऐसे ऐसे देखी होगी, ऐसे होती है ना, इसको कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। और फूल का मतलब पूरी पीस ऐसे हो गई। पॉट का कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। स्टेम की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, हाइट स्टेम की ऐसे, और ड्वार्फ में छोटी हाइट हो सकती है। ठीक है, ये हमारे क्या थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट के। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बस आप समझ लीजिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, पेरेंट्स दोनों हैं, और उनमें से जो F1 जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन में जो कैरेक्टर आ रहा है, तो वो किसी जीन की वजह से आ रहा होगा, किसी एलील की वजह से आ रहा होगा। तो वो एलील जो डोमिनेंट हो रहा है दूसरे वाले पे, तो उसको मतलब इसको तो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, जो एलील जो हो रहा है वो डोमिनेंट हो रहा है रेसेसिव वाले के ऊपर, तो उसको हम लोग डोमिनेंट एलील बोलते हैं। तो ये जो राउंड हो गया, येलो हो गया, एक्सियल हो गया, वायलेट हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, जिनको मैं मार्क कर रही हूँ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, यही बता दे रही हूँ। और ये सारे क्या हैं, हमारे रेसेसिव हो गए। इसको समझने के लिए समझिए, मान लीजिए एक कोई पेरेंट है, उसका क्या है, हमारा कैपिटल ए, कैपिटल ए है। दूसरा पेरेंट क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए। और F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, और ये कैसा प्लांट है हमारा, टॉल है। ये कैसा है हमारा, ड्वार्फ प्लांट है, स्मॉल ए, स्मॉल ए। ठीक है, और हमारा जो F1 जनरेशन में आया वो कैसा प्लांट आया, टॉल प्लांट आया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कैपिटल ए अलील जो हो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल प्लांट के लिए। स्मॉल ए अलील जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डॉर्फ प्लांट के लिए। लेकिन हमारे F1 जनरेशन में देखिए कैपिटल ए भी आया, स्मॉल ए आया, लेकिन कैरेक्टर हमको किसका मिल रहा है, टॉल का मिल रहा है। फीनोटाइप कैसा मिल रहा है, मतलब जो हमको दिख रहा है वो कैसा है, टॉल प्लांट हमको मिल रहा है। तो यानी कैपिटल ए टॉल वाला जो अलील है वो स्मॉल ए के ऊपर क्या हो गया, डोमिनेट कर गया है, मतलब क्या किया, उसके ऊपर भारी पड़ गया है। ठीक है, और स्मॉल ए जो रेसेसिव वाला अलील है वो क्या हुआ, अपना कैरेक्टर सप्रेस कर लिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉल जैसे क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। ऐसे ही ये सारे क्या हैं, हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। अब हम डील करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेकर, डाई हाइब्रिड में क्या होता है, दो कैरेक्टर साथ में लेते हैं और उनको क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्लांट है, वो क्या है, हमारा पी प्लांट है, वो टॉल है। तो टॉल के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। डॉर्फ के लिए कौन सा जीनोटाइप है रिस्पॉन्सिबल, स्मॉल ए, स्मॉल ए। इनसे जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल एल से क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल ए ही बनेगा। स्मॉल ए से क्या बनेगा, सिर्फ स्मॉल ए बनेगा। इससे जो F1 जनरेशन प्रोजेनी बनेगी वो क्या बनेगी, इसका ए
और इसका ए दोनों फ्यूज़ कर जाएगा और कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। और ये कैसा रहेगा हमारा प्लांट? टॉल प्लांट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल ए क्या कर गया, स्मॉल ए पे डोमिनेट कर गया, यानी कैपिटल ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डोमिनेंट एलील, क्या हो जाएगा डोमिनेंट एलील। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या हुआ, डोमिनेट कर गया ऑन रिसेसिव एलील इन F1 जनरेशन के में, ठीक है। वाइल स्मॉल ए हमारा क्या हो गया, रिसेसिव एलील हो गया। क्यों रिसेसिव एलील हो गया? क्योंकि ये क्या हुआ, इट्स कैरेक्टर गेट सप्रेस, इसका कैरेक्टर क्या हो गया, सप्रेस हो गया इन F1 जनरेशन में, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अलील और जीन क्या है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता सकते हैं कि अलील क्या होता है हमारा, अलील हमारा क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है। और जीन हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए हम लोग अलील, ठीक है, अगर हम क्या बना रहे हैं जीन, मान लीजिए ये क्या हुआ हमारा एक क्रोमोसोम हो गया और ये क्या हुआ हमारा दूसरा क्रोमोसोम हो गया। मान लीजिए यहाँ कोई एक कैरेक्टर है, उसके लिए कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए ये किसके लिए, हाइट के लिए, ए वाला अलील किसके लिए, हाइट के लिए है। और दूसरा अलील हम बी ले रहे हैं, ठीक है, जीन क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा, कलर के लिए, ठीक है। और ये हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको ए ले रहे हैं, कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इसको बी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका अल्टरनेट फॉर्म जो होगा उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा, इसका कैपिटल ए डोमिनेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए क्या हो जाएगा, अल्टरनेट फॉर्म हो जाएगा। कैपिटल बी का अल्टरनेट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि दूसरे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हाइट के लिए अगर ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसका अल्टरनेट फॉर्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, मतलब अगर कैपिटल ए जीन है इसका अल्टरनेट फॉर्म अगर होता है उसको हम लोग अलील कहते हैं। जीन क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे कैपिटल ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए, कैपिटल बी यानी बी वाला जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। तो आपको अलील और जीन समझ में आया होगा, और डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील भी समझ में आया होगा। अगर कोई अलील अगर क्या कर रहा है, रिसेसिव के ऊपर डोमिनेट हो जा रहा है तो वो डोमिनेंट अलील है, अगर वो क्या हो रहा है, कोई अलील अगर सप्रेस हो जा रहा है उसको रिसेसिव अलील बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि F1 जनरेशन में हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए आया, लेकिन ये क्या है, हमारा टॉल प्लांट है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे। अगर सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए इसको क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए से, तो इसका जो गैमेट्स बनेगा ये क्या बनेगा, एक कैपिटल ए बनेगा, एक स्मॉल ए बनेगा, दूसरे का क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हमारा क्या है, मेल प्लांट है, उसका क्या है, ये गैमेट लेंगे ये वाला, ठीक है, और दूसरा वाला ये गैमेट लेंगे, और दूसरे पेरेंट का क्या लेंगे, कैपिटल ए लेंगे, और दूसरे पेरेंट का स्मॉल ए गैमेट लेंगे। अब देखिए इनसे अगर प्रोजेनी बनेगी, कैपिटल ए कैपिटल, पहले इन सबको छिपा लीजिए, एक एक बॉक्स लेके चलेंगे, इसको चेकर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे छिपा लेंगे। तो ये वाला ए इससे फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल ए आया, फिर ये वाला ए इससे फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए कैपिटल ए से फ्यूज़ किया तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए इससे फ्यूज़ किया तो स्मॉल ए आया। अब देखिए ए अलील हमारा क्या है, डोमिनेट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉल प्लांट होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों की दोनों ए है, और ए जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा टॉल के लिए। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। यहाँ पे भी कैपिटल ए आ रहा है तो ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, तो ये भी प्लांट कैसा होगा, टॉल। यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल है, ये भी इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, तो ये भी कैसा होगा, टॉल। लेकिन यहाँ कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्वार्फ हो जाएगा। तो अगर इसका फीनोटिपिक रेशियो देखें, फीनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ टॉल कितने हैं हमारे,
इज टू डॉर्फ, ये क्या हो जाएगा हमारा, तीन क्या है हमारे, ये हमारे क्या है टॉल है, और एक क्या है हमारा डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1। वहीं अगर जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन के बेसिस पे अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, जीनोटिपिक रेशियो, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कितनी बार है, काउंट करिए आप लोग, कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार है, स्मॉल ए कितनी बार है, इसको काउंट करिए, कैपिटल ए कितनी बार है, 1 टाइम, कैपिटल स्मॉल ए कितनी बार है, देखिए 2 टाइम, स्मॉल ए कितने टाइम है, 1 टाइम। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब इस पर क्या होता है, दो कैरेक्टर को हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सीट का जो शेप है वो क्या है, राउंड है, दूसरा क्या है, रिंकल है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, सीट का कलर क्या है, ग्रीन है, और क्या है, येलो है, ठीक है। इधर वाले कैरेक्टर क्या है, सारे के सारे डोमिनेंट है, और ये वाले क्या है, रिसेसिव है। तो राउंड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ग्रीन के लिए क्या है, जीनोटाइप, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। रिंकल के लिए क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो के लिए क्या है, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब इनसे जो गैमेट बनेगा वो क्या है, कैपिटल आर से क्या बनेगा, कैपिटल आर से बनेगा। कैपिटल वाई से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल वाई से। स्मॉल आर से क्या बनेगा, स्मॉल आर। स्मॉल वाई से क्या बनेगा, स्मॉल वाई। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो अपन जनरेशन में हमको क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये बना। और ये क्या रहेगा हमारा, राउंड और ग्रीन। क्यों राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो क्या है, रिंकल के लिए स्मॉल आर के ऊपर क्या है, डोमिनेट है, इसलिए कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंड के लिए। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो अगर हम देखें F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट है, तो इसीलिए राउंड हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, इसीलिए ग्रीन हो गया। तो F1 जनरेशन में हमारा ये आ गया। लेकिन F2 जनरेशन में जब इसका सेल्फिंग करेंगे, मतलब इसी प्लांट से दूसरे सेम जीनोटाइप के प्लांट से अगर क्रॉस करेंगे, तो हमारा गैमेट क्या आएगा, देखिए गैमेट कैसे निकालते हैं। ये जो कैपिटल आर है, एक बार इससे कैपिटल वाई से कर लीजिए, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई से कर लीजिए, एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई से कर लीजिए, एक बार स्मॉल आर को स्मॉल वाई से कर लीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गैमेट्स आ जाएगा। इसके लिए अब हम चेकर बॉक्स बनाएंगे, लेकिन 4 बॉक्स वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सारे एक गैमेट्स को एक बार ऐसे लिख लेंगे, ऐसे, और एक यहाँ पे फीमेल वाले गैमेट्स का लिख लेंगे, ठीक है, सेम चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करके यहाँ जीनोटाइप लिखेंगे, फिर इसको करके यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको आप पूरा फिल करिएगा, फिल करने के बाद इसको देखिएगा, तो फीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा हमारा, 9:3:1 आएगा, ठीक है। जिनमें से 9 क्या होगा हमारा, राउंड एंड ग्रीन। पूरा करके देखिएगा, आपको मिलेगा एग्जैक्ट, ठीक है, राउंड और ग्रीन आएगा। 3 हमारा क्या आएगा, राउंड और येलो आएगा। फिर 3 हमारा क्या आएगा, रिंकल और ग्रीन आएगा। 1 क्या आएगा हमारा, रिंकल और येलो। वहीं अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस आएगा तो मोस्टली आपको ये फीनोटिपिक रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, और F1 जनरेशन के बारे में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब हम देखें यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। अलील के बारे में हम लोगों ने बताई, मैंने बताया अभी कि ये क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, और ये क्या है, जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ DNA सेगमेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। और फीनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर मोनोहाइब्रिड वाला क्रॉस अगर देखें, कैपिटल ए था, कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे कैपिटल ए आया था, इससे स्मॉल ए आया था गैमेट, ठीक है। अगर इसको हम फ्यूज़ किए थे तो क्या आया था, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये आया था। अब इसको सेल्फ क्रॉस अगर हम लोग किए थे तो हमको क्या मिला था, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मिला था ना हम लोगों को,
अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो फीनोटाइप क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब इसका जीन नहीं देखेंगे, वो कैसा दिख रहा है हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल ए टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, और स्मॉल ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ड्वार्फ के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट, मतलब तीन टॉल प्लांट अगर हमको मिले हैं तो तीनों का फीनोटाइप मतलब एक्सप्रेशन कैसा है, वो कैसा हमको दिख रहा है उसका कैरेक्टर, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? फीनोटाइप कहलाएगा। और स्मॉल ए, स्मॉल ए हमको कैसा दिख रहा है? वो हमको कैसा दिख रहा है? ड्वार्फ दिख रहा है। जीनोटाइप क्या होगा? मतलब जीन के बेसिस पे लेंगे, ठीक है, कि अगर हम देख रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है? जीनोटाइप हो गया हमारा, कैपिटल ए स्मॉल ए दूसरा जीनोटाइप हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या हुआ? तीसरा जीनोटाइप हो गया। तो ये अगर हम जीनोटाइप के बेसिस पे लेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप, मतलब जीन के बेसिस पे लेंगे तो जीनोटाइप बोलेंगे इसको। हम लोग क्या कहेंगे? जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए अगर जीन अगर किसी इंडिविजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर के लिए तो उसका हम देख रहे हैं, ठीक है। वही होमोजाइगस हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल ए, इनमें क्या देख रहे हैं? अगर इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील, तो अगर यहाँ कैपिटल ए देख रहे हैं तो इनमें क्या है? दोनों सेम ही एलील है। और ये टॉल प्लांट है, देखिए कैपिटल ए भी एक ही एलील है और ये दोनों सेम एलील है। और स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? होमोजाइगस एलील हो जाएगा। वहीं अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिनमें दोनों ही एलील हैं, यानी कैपिटल ए भी है स्मॉल ए भी है, हेट्रो वाला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस बोलते हैं। डोमिनेंट एलील हमने बता दिया कि एफ1 जनरेशन में अगर कैपिटल ए स्मॉल ए आया तो ये के डोमिनेंट एलील वाला इसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। और जो हमारा क्या होता है? अलील जो सप्रेस होता है, ठीक है, डोमिनेंट के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिसेसिव अलील कहलाएगा। अब हम डील करने वाले हैं मेंडल्स के लॉ, ठीक है। मेंडल के कितने लॉ थे? तीन लॉ थे, ठीक है। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या था? एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन अलील जो कि डोमिनेंट अलील है आउट ऑफ द टू अलील प्रेजेंट इन द हेटरोजाइगस। मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? जब ये क्रॉस हो रहा था स्मॉल ए, स्मॉल ए में, तो ये कैपिटल ए गैमेट, ये क्या कर रहा था? स्मॉल ए। इनसे हमको क्या मिल रहा था एफ1 जनरेशन में? कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये हेट्रोफॉर्म है, तो हेट्रोफॉर्म में सिर्फ एक ही एलील, यानी ये कैपिटल ए वाला जो क्या कर रहा था वो एक्सप्रेस हो रहा था, ठीक है, एफ1 जनरेशन में। तो एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही अलील का जो कि डोमिनेंट अलील है आउट ऑफ द टू अलील जो कि क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस एफ1 जनरेशन। मतलब एफ1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस फॉर्म है इसमें से सिर्फ एक ही अलील क्या कर रहा है? अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? डोमिनेंट अलील। तो अलील जो एक्सप्रेस कर रहा है अपना कैरेक्टर इन एफ1 जनरेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट अलील। और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपना कैरेक्टर एफ1 जनरेशन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिसेसिव अलील, ठीक है। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सीग्रीगेशन। इसमें क्या है हमारा? जैसे टू फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर विच आर टुगेदर इन इंडिविजुअल सेपरेट एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मान लीजिए ये क्या है हमारा? दोनों फैक्टर यहाँ पे एफ1 जनरेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? टॉल प्लांट आ रहा है। और ये क्या हो रहा है? कब सीग्रीगेट, मतलब सेपरेट कब हो रहा है? गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए की, तो इससे गैमेट क्या मिला? कैपिटल ए भी मिला, स्मॉल ए भी मिला। इससे क्या मिला? कैपिटल ए भी मिला, स्मॉल ए भी मिला। तो इसका अगर हम लोग चेकर बोर्ड बनाएं सेकंड जनरेशन का, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इससे हमको क्या मिला? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये जो हमको ये जो जीनोटाइप मिला है ये हमको बता रहा है कि स्मॉल ए जो हमारा अलील है वो हमारा एफ1 जनरेशन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, जो कि सप्रेस किया गया था डोमिनेंट वाले अलील की वजह से। और ये जो अलील है ये सेपरेट हो गया है कब? गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में, तभी तो ये हमको सेकेंड जनरेशन में हमको दिखा है। तो इस लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो गैमेट कंटेन ओनली सिंगल फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर एंड इज ऑलवेज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर। मतलब गैमेट्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही अलील होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर के लिए, और ये हमेशा प्योर होता है अपने कैरेक्टर के लिए। इसीलिए इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं।
ना हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो फैक्टर यानी दो अलील जो थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कैरेक्टर के लिए, वो कब सेपरेट हुए? गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में। बट क्या हुआ जब एफ टू जनरेशन बना तो उस टाइम वो इंडिपेंडेंटली क्या किए, पेयर कर लिए, मतलब साथ में आ गए। वो अलील क्या हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में अलग हुए, और क्या हुआ जब एफ टू जनरेशन आया फिर से वो क्या किए, पेयर कर लिए। पेयर करने के बाद क्या हुआ, दो फैक्टर यानी दो अलील क्या हुए, पेयर किए और एक अनदर कैरेक्टर बनाया, मतलब दूसरे नए टाइप का कैरेक्टर बनाया। कब? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के टाइम में, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिकम्बिनेशन हो गया, मतलब दोनों कैरेक्टर का, पेरेंट के जो दोनों कैरेक्टर थे वो क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। अब इसको, इस सेंटेंस को समझने के लिए हम ये समझते हैं, ठीक है। जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़े थे, जैसे राउंड और ग्रीन, ये क्या है हमारा पेरेंटल है, पेरेंटल वन, और दूसरा क्या है रिंकल और येलो, ये क्या है हमारा पेरेंटल टू है, ठीक है। कैपिटल और राउंड के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल और रिंकल के लिए स्मॉल वाई, येलो के लिए। इससे गैमेट हमारा क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे क्या गैमेट बना हमारा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो और फिर इससे एफ वन जनरेशन में हमको क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्या किए, सेल्फिंग किए, ठीक है। तो इससे गैमेट देखिए हमको क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए ये गैमेट के फॉर्मेशन में ये दोनों अलील अलग हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये अलील क्या हो गए, अलग हो गए, ये भी अलील क्या हुआ, अलग हो गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई भी अलग हो गया। लेकिन जब हम एफ टू जनरेशन कर रहे थे तो दोनों पेरेंट्स को फिर से हम लोग क्या किए, कंबाइन किए, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग देखें तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आया था, 9:3:3:1 आया था, जो कि 9 क्या था हमारा, राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन अगर देखें तो ये क्या है, पेरेंटल टाइप है, तो इसको पी लिख दें हम लोग। राउंड और येलो ये कोई पेरेंटल है नहीं है, तो ये क्या है हमारा, रिकम्बिनेंट टाइप है, इसको आर लिख दे रहे हैं क्योंकि रिकम्बाइंड टाइप है। रिंकल ग्रीन ये भी क्या है हमारा, रिकम्बिनेंट टाइप है। वही हमारा रिंकल येलो देखिए तो ये क्या है हमारा, पेरेंटल है। तो हम लोगों ने देखा ना गैमेट के टाइम में ये क्या हुआ, ये अलील क्या हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन यही अलील क्या हुआ इस टाइम क्या हुआ, देखिए आपस में रिकम्बाइन कर करके ये क्या किए, एक नए टाइप का कैरेक्टर ले आए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट, क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट कैरेक्टर ये बना है। और दो क्या रहेंगे हमारे, पेरेंटल ऑलरेडी रहेंगे। ओके, आपको ये समझ में आया हो कि ये क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि ये क्या होता है, जब हमारा पेरेंटल ये दोनों होते हैं तो ये क्या होते हैं, अलील जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में अलग होता है, और एफ टू जनरेशन बनाने के टाइम में ये फिर से क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली पेयर होने के बाद ये क्या करता है, रिकम्बिनेंट कैरेक्टर बनाता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ह्यूमंस में अगर हम लोग देखें तो 23 पेयर यानी क्या होते हैं, 23 पेयर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, यानी कितने होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं, 46, ठीक है। इन 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑटोसोम होते हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होते हैं, उनके अलावा जितने क्रोमोसोम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, 22 ऑटोसोम बोलते हैं। और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, वन पेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोसोम, या क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये वन मार्क्स में एक बार आया हुआ है, ये फिर से आ सकता है, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, क्या होता है, एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो एक्स वाई देखिए दोनों क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं, और फीमेल में इसको क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक, क्योंकि दोनों ही अलील क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स है, ठीक है। अब इसका हम लोग चेकर बॉक्स बनाएंगे तो देख रहे हैं हम लोग, मेल का क्या था हमारा, कैपिटल एक्स था और कैपिटल वाई था, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बनाए। फीमेल का क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे, तो पहले एक बार कैपिटल एक्स से किए तो ये कैपिटल एक्स आया,
फिर क्या किया, कैपिटल एक्स से कैपिटल एक्स ये वाला किए, फिर कैपिटल एक्स आया, फिर ये वाई वाले से ये एक्स किए तो एक्स वाई आया, फिर ये वाई वाले को इस एक्स से किए तो एक्स वाई आया। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो 50% देखिए ये क्या है हमारा, हाफ क्या है हमारा कैपिटल एक्स आया, कितना आया 2 टाइम, वहीं हमारा क्या आया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये भी क्या आया 2 आया। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे कैपिटल एक्स और एक्स वाई का जीनोटिपिक रेशियो, ये कितना आ जाएगा हमारा 1:1 आता है। तो अगर देखें इसमें फीमेल होने की चांसेस कितनी है, 50% चांस है किसकी, फीमेल होने की, ठीक है, और 50% चांस क्या है हमारा, किसकी चांस है मेल होने की, ठीक है। ये कैसे देखेंगे, 2 out of 4, कितना टोटल कितना है 4, और इसमें से फीमेल कितनी आई 2 आई हैं, तो यानी 2 out of 4 ये क्या हुई हमारी, फीमेल होने की चांस हुई। तो इसको डिवाइड करिए 2 1 जा 2 2 जा, और ऐसे ही मेल का भी देखिए 2 out of 4, ये भी क्या हुई 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 50%, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। अब हमको एक चीज़ और थोड़ा सा पढ़ना है, बस छोटा सा टॉपिक है कि कैसे कोई अलील जो होता है एक्सप्रेस करता है, अलील या जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, हाउ जीन एक्सप्रेशन अकर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई ये जीनोटाइप है कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, अगर इस जीनोटाइप की एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एक्सप्रेस करने की, तो ये क्या होगा, अलील जो होगा ये जीनोटाइप जो होगा वो एक्सप्रेस ज़्यादा करेगा, और अगर इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है एक्सप्रेस होने की, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये एक्सप्रेस कम करेगी और ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कैपिटल ए अब ये कैसे एक्सप्रेस करता है, तो मान लीजिए यहाँ क्या है हमारा डीएनए, ठीक है, इस डीएनए पे कैपिटल ए होगा, ठीक है। इस डीएनए से क्या होता है हमारा एमआरएनए बनता है, क्या बनता है अभी आप लोग बस समझ लीजिए, ठीक है। तो एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए से फिर हमारा क्या बनेगा, कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल ए से प्रोटीन जो बन रहा है इसका, ये बहुत ज़्यादा बन रहा है प्रोटीन, तो ये एक्सप्रेस ज़्यादा होगा, और यही प्रोटीन अगर क्या होगा कम बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जीन जो हो रहा है वो एक्सप्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है। होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके 1 ही 2 चैप्टर आ रहे हैं, मुश्किल से 2 ही 3 हैं, ठीक है। तो लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से करिए, ताकि आपका बायोलॉजी क्या हो, बेस्ट हो, आप वो उससे जो भी क्वेश्चन आए वो आप क्या करें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इनमें क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंट बताया, सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल के 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और चांसेस ज़्यादा है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा पूछे, अगर डाईहाइब्रिड पूछेगा तो उससे क्या पूछ सकता है, आपका F1 जनरेशन तक पूछेगा, और क्या पूछ सकता है, फीनोटिपिक रेशियो पूछ सकता है, और क्या छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे मैंने बताई, अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, होमोसाइगस हेट्रोसाइगस क्या होता है, फीनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो ये सारे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा लेसन, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।